क्योंकि मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया, अभी वो न्यायिक हिरासत में है, तो उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया। ये सामान्य प्रक्रिया हर एक केस में ये होता है, इसमें पुलिस की तरफ से कोई त्रुटि नहीं है ना अनुसंधान की, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। साक्ष्य के आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी उनका रिमांड हुआ है हमारे केसेस में, वो तमिलनाडु से यहाँ आ चुके हैं, और जब समय आएगा उस समय बाकी कार्रवाइयाँ भी होंगी और उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है कि जब भी कोई अभियुक्त फरार रहता है तो उस स्थिति में उसका वारंट और उसके बाद कुर्की जब्ती की जाती है, और जब अभियुक्त न्यायालय में फिर से उपस्थित होता है या पुलिस पकड़ के करे या आत्मसमर्पण करे, उसके बाद वो प्रोसेस है। चूँकि अभियुक्त अब न्यायिक अभिरक्षा में है, तो जो कुर्की जब्ती का जब्त सामान होता है वो न्यायालय के आदेश से वापस किया जाता है। इस मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। सर, मनीष कश्यप मामले में अनुसंधान में कहीं त्रुटि थी या क्या वजह थी कि कुर्की जब्ती की कार्रवाई के बाद वापस से कोर्ट का आदेश के बाद कुर्की? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है कि जब भी कोई अभियुक्त फरार रहता है तो उस स्थिति में उसका वारंट और उसके बाद कुर्की जब्ती की जाती है, और जब अभियुक्त न्यायालय में फिर से उपस्थित होता है या पुलिस पकड़ के करे या आत्मसमर्पण करे, उसके बाद वो प्रोसेस है। चूँकि अभियुक्त अब न्यायिक अभिरक्षा में है, तो जो कुर्की जब्ती का जब्त सामान होता है वो न्यायालय के आदेश से वापस किया जाता है। इस मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है, क्योंकि मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया, अभी वो न्यायिक हिरासत में है, तो उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया। ये सामान्य प्रक्रिया हर एक केस में ये होता है, इसमें पुलिस की तरफ से कोई त्रुटि नहीं है ना अनुसंधान की, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन सर, मनीष कश्यप मामले में और भी लोग अभियुक्त थे, पूरा मामले में अनुसंधान में अभी तक क्या बातें सामने आई है? क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जाहिर सी बात है पूरी बात आप नहीं बता सकते, लेकिन जो आरोप थे वो आरोप क्या सिद्ध हो पा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ साक्ष्य मिल पा रही है? देखिए, जल्दी साक्ष्य के आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी उनका रिमांड हुआ है हमारे केसेस में, वो तमिलनाडु से यहाँ आ चुके हैं, और जब समय आएगा उस समय बाकी कार्रवाइयाँ भी होंगी और उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।